गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी ऑल राइट एट योर होम। आप सब अपने घर पे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरह से अंग्रेजी विषय का अध्ययन कर रहे होंगे। भैया बहनों, पिछली कक्षा में हमने यूनिट 5 का मीनिंग्स लिखे और हिंदी ट्रांसलेशन किया। आज हम यूनिट 5, द नेम ऑफ लेसन इज एडिंग कलर्स, रंगों को मिलाना, उसकी एक्सरसाइज देख रहे हैं। आप सब अपनी बुक्स निकाल लेंगे और उसमें पेज नंबर है 77, पेज नंबर 77 निकाल करके देखेंगे एक्सरसाइज और इसको फिलअप करेंगे और क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में उतारेंगे। देखिए एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी फर्स्ट में भैया बहनों आप देखेंगे ए लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है। तो फर्स्ट में देखो, वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग ब्लैक टू वाइट। पहले में क्या आ जाएगा भैया बहनों? पहला है इसमें ए लिखा हुआ है, ए में क्या लिखा हुआ देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें फर्स्ट है वी कैन गेट ग्रे कलर बाय एडिंग वाइट टू ब्लैक। तो इसमें आ जाएगा ब्लैक टू वाइट आएगा, उल्टा लिखा हुआ है, ब्लैक टू वाइट। तो ये वाइट इसमें आ जाएगा। सेकंड में देखेंगे भैया बहनों, टू गेट ग्रीन कलर वी शुड टू गेट ग्रीन कलर वी शुड मिक्स मिक्स ब्लू एंड येलो। हरा रंग प्राप्त करने के लिए हमें नीले रंग में पीला रंग मिलाना चाहिए। तो ये अपना जो ब्लैंक प्लेस है उसमें खाली स्थान में हम ब्लू कलर भर देंगे। थर्ड देखेंगे, इफ वी मिक्स रेड एंड ब्लू, ब्लू आ जाएगा कलर्स, We will get purple color. Color. यदि हम लाल में नीला रंग मिला देंगे तो हमें बैंगनी रंग प्राप्त होगा। इसी तरह से भैया बहनों बी देखिए, अब बी में क्या लिखा हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो भैया बहनों, विच कलर डू यू नीड, विच कलर Do you need to get pink color? ना, गुलाबी रंग प्राप्त करने के लिए आप कौन सा रंग मिलाने की आपको आवश्यकता
है? आंसर लिखेंगे एडिंग व्हाइट एंड रेड वी गेट पिंक कलर। सफेद में लाल रंग मिलाने पर हमें गुलाबी रंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क? व्हाट इज द कलर ऑफ द मिल्क? सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द मिल्क? दूध का रंग क्या है, क्या होता है? तो आंसर है भैया बहनों, द कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट। द कलर ऑफ मिल्क इज व्हाइट। दूध का रंग सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ कैन यू गेट ऑरेंज कलर? हाउ कैन यू गेट ऑरेंज कलर? आप नारंगी रंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर है भैया बहनों, एडिंग येलो टू रेड। एडिंग येलो टू रेड वी गेट ऑरेंज कलर। पीले रंग में लाल रंग मिलाने से हम नारंगी रंग प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाई शुड वी काउंट द Why should we count the change after buying something? किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद में हमें खुले पैसे, रेजगारी या चिल्लर को क्यों गिनना चाहिए? तो आंसर है, We should do so, हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए, to avoid, we should do so to avoid being cheated. Cheated by the shopkeeper. Question number four को देखेंगे, why should we count the change after buying something? किसी भी चीज को या किसी भी वस्तु को खरीदने के बाद में हमें चिल्लर के खुले पैसे को क्यों गिनना चाहिए? तो इसका आंसर है, we should do so to avoid being cheated by the shopkeeper. हमें ऐसा दुकानदार के द्वारा बेईमानी किए जाने से बचने के लिए खुले पैसे को या चिल्लर को गिनना चाहिए। इसके बाद में भैया बहनों, आप आगे देखेंगे, एक्सरसाइज में पन्ना पलट लेंगे और उसमें एक्टिविटी सेकंड देखेंगे। एक्टिविटी सेकंड में आपके सामने कलर्स दिए हुए हैं,
और इधर उसके नेम ऑफ कलर्स हैं और मैच द कलर, इनसे मिलान करना है अपने को। तो आप मिलान कर लेंगे, आपके सामने बुक है, बुक खोल करके तो जो ग्रीन दिया हुआ है तो ग्रीन को आप मिलाएंगे ऊपर से चौथे में मिला लेंगे, फोर्थ में मिला लेंगे, फोर्थ जो डिब्बा है उसमें ग्रीन को ग्रीन से मिला लेंगे। सेकंड नंबर पे पिंक है तो पिंक को आप मिला लेंगे नीचे से ऊपर वाले सेकंड पे। इसी प्रकार से पर्पल कलर बैंगनी रंग दिया हुआ है तो लास्ट वाला नीचे ही नीचे वाला खाना दिया हुआ है उसमें आप पर्पल कलर मिला लेंगे। इसी तरह से इसमें भैया बहनों ब्लू कलर दिया है चार नंबर पे इधर, तो ब्लू को अपन मिलाएंगे नीचे से तीसरे पे और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 ऊपर से सिक्स नंबर पे और नीचे से थर्ड नंबर पे मिला लेंगे ब्लू नंबर को, ब्लू कलर को। फिर इसी तरह से येलो कलर है तो येलो कलर को ऊपर ही ऊपर वाला जो खाना बना हुआ जिसमें येलो कलर है उसमें आप मिलान कर लेंगे। फिर इसके बाद में है सिक्स नंबर पे देखेंगे आप रेड कलर दिया हुआ है तो रेड कलर ऊपर से सेकंड नंबर को रेड कलर से लाइन खींच के आप मिलान कर लेंगे। फिर ऑरेंज कलर है तो ऑरेंज कलर नीचे से फोर्थ नंबर पे है और ऊपर से फिफ्थ कलर पे है, फिफ्थ नंबर पर है। लास्ट में ग्रे है, जी आर ई वाई, ग्रे मीन्स स्लेटी होता है तो ऊपर से थर्ड नंबर पर स्लेटी रंग दिया हुआ है। इसी तरह से भैया बहनों आगे अपन देख रहे हैं बी में, देखो रेमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट एंड विद सेम साउंड, फॉर एग्जाम्पल पेन, टेन। तो जो बोल करके जो शब्द अपन बनाते हैं तो उनमें क्या होता है, रेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो जिनका एंड, जिनकी अंतिम जो अक्षर है वो समान ध्वनि निकालते हैं। राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड रेम विद द वर्ड्स गिवन बिलो, तो नीचे जो कविता है उसमें से समान ध्वनि वाले वर्ड्स को लिखना है आपको। तो अपन भैया बहन उसमें लिखते हैं, देखिए फर्स्ट में है, आपके सामने बुक है उसमें आप देखेंगे फर्स्ट में लिखा हुआ इधर ट्रे है, ट्रे। तो इसके अपने को दो वर्ड्स लिखने हैं तो इसमें लिख देंगे अपन ग्रे और प्रे, जी आर ई वाई, ग्रे एंड प्रे। इसी तरह सेकंड में देखिए स्क्रीन, स्क्रीन के अपन वर्ड लिखेंगे ग्रीन लिख दिया और क्लीन लिख दिया। थर्ड नंबर पे देखो थिंक है, थिंक मीन्स होता है सोचना, इसके अपन टू वर्ड्स आगे ऐसे ही समान ध्वनि वाले रेम वाले लिखेंगे, पिंक है एंड ड्रिंक है। फोर्थ नंबर पे है, फोर्थ नहीं है इसमें आगे। अब अपन आगे इसमें दिया हुआ है कुछ अक्षर दिए हुए हैं तो उनसे अपन जैसे वी आई बी जी वाई ओ आर, तो इनसे अपने को रेनबो बनाना है। अब रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, इसमें ऐसे लिखा हुआ है एक्टिविटी थर्ड को आप उच्चारण कर लेंगे, एक्टिविटी थर्ड दी हुई है से दीज वर्ड्स अलाउड, जोर से बोलना इन वर्ड्स को, रेड आप मेरे पीछे पीछे बोलने की कोशिश करेंगे, रेड, हेड, सैड, बेड। सेकंड में ब्लैक, पैक, रैक, ब्लैक, बैक, सॉरी। थर्ड में है ब्लू, यू, टू, शू। फोर्थ में है वाइट, हाइट, राइट एंड लाइट। एक्टिविटी फोर में इसको नहीं करना अपने को, और जो सेकंड वाला है ड्रा ए रेनबो, एक इंद्रधनुष बनाना अपने को, रंग भरना है उसके, डू यू नो फॉर द कलर्स ऑफ द रेनबो, क्या आपको उसके जो कलर है रेनबो में इंद्रधनुष के रंग है वो याद है क्या आपको, तो नाउ राइट नेम्स ऑफ द कलर्स बिगनिंग विद द लेटर्स ऑफ
VIBGYOR। तो ये जो स्पेलिंग्स है, ये लेटर्स लिखे हुए हैं, इनको लिखते हुए हमें इनके सामने रेनबो के जो कलर्स हैं, रंग, वो लिखना है। VIBGYOR। अब इसमें देखेंगे भैया, V बराबर क्या हो जाएगा, वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट कलर होता है। इसमें इंडी, आई से इंडी हो जाता है। आप लिख लेंगे अपने उसमें, भर लेंगे बुक में, फिर नोटबुक में कर लेंगे। बी से ब्लू हो जाएगा, जी से ग्रीन हो जाएगा, वाई से येलो हो जाएगा, ओ से ऑरेंज हो जाएगा, और आर से रेड हो जाएगा। तो ये अपन ने आज देखे भैया बहनों। अब आप इस एक्सरसाइज को अपने घर पे लर्न करेंगे। आपके सामने बुक है, ब्लैक बोर्ड है, तो उसमें से आपने उतारे हों, उतार लेंगे आप, और इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे। थैंक यू।